नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं साकरिया संजय और आज मैं आपको बताऊंगा मोबाइल के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि अभी तक तो मैंने हार्डवेयर के बारे में ही बताया था, लेकिन कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल दो। तो इसके लिए मैंने पूरा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, मोबाइल को हार्ड रीसेट कैसे किया जाता है, फ्लैश प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैंने इधर बताने का कोशिश किया है। तो चलिए समझते हैं मोबाइल के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोबाइल को हार्ड रीसेट कैसे किया जाता है। वैसे तो मैंने अभी तक तो हार्डवेयर के फॉल्ट के बारे में ही बताया है, लेकिन आज मैं बेसिकली जो सॉफ्टवेयर का फॉल्ट सोल्व होता है वो कैसे हार्ड रीसेट करके उसको सोल्व किया जाता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, अभी मेरे पास एक माइक्रोमैक्स का ये 46 जो ये मोबाइल मॉडल नंबर है, उसमें एक फॉल्ट है जो सॉफ्टवेयर का है। आप देखोगे तो उसमें एक ऐसे बारी बारी ये मैसेज आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली हैप्पी म्यूजिक एंड हैज स्टॉपेड, ये मैसेज बारी बारी आपको आ रहा है। देखो मैं अभी ओके दे रहा हूँ तो फिर भी ये मोबाइल जो ये देखो ये आ रहा है, तो मतलब कि कोई मेनू में आप अगर जाओगे तो ये से बारी बारी ये स्क्रीन पे आपको बीच में आता जाएगा। देखो तो ऐसे कभी भी कोई फॉल्ट आता है तो उसको कैसे चेक किया जाए, उसको कैसे जो हार्ड रीसेट करके उसका फॉल्ट सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से ये मोबाइल को हम स्विच ऑफ कर देंगे। देखो, या तो आप एक बार इसका जो बैटरी है उसको थोड़ी देर के लिए निकाल के वापस ऐसे लगा देना है, मतलब कि मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है। उसके बाद इसमें मेरे ख्याल से हार्ड रीसेट के लिए ये दोनों स्विच जो है वो वर्क करती है, मतलब के पावर स्विच और वॉल्यूम अप स्विच जो है वो दोनों आपको जो है प्रेस करना है। देखो मैं अभी ये प्रेस कर रहा हूँ, मैंने अभी प्रेस किया है इसका वॉल्यूम अप और जो पावर स्विच है दोनों को 30 सेकंड के लिए आपको इसे प्रेस रखना है। देखो अभी ये मैंने प्रेस किया है, अगर एक बार इसे नहीं हुए तो दूसरी बार आपको ट्राई करना है। देखो अभी नहीं हुआ, एक बार हम बैटरी निकाल के उसको वापस लगा के देखते हैं। तो ये मोबाइल में हार्ड रीसेट करने के लिए मैं प्रेस करूंगा पावर स्विच और वॉल्यूम जो अप स्विच है दोनों को प्रेस करूंगा। देखो मैंने ये दोनों को एक साथ प्रेस किया है, देखो ये मोबाइल में ऐसे एंड्रॉइड का सिंबल आ जाना चाहिए, देखो आ गया इसमें। अब उसमें क्या करना है, आपको एक बार पावर स्विच को प्रेस करना है। पावर स्विच को प्रेस करने के बाद आप देखोगे तो ये मेनू में ये मेनू आ जाएगा, ये मेनू में आप देखो तो इसमें लिखा है एंड्रॉइड सिस्टम रिकवरी, ऐसे अभी मैंने रिबूट सिस्टम नाउ सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको नीचे आप ऐसे जाओगे तो अप्लाई अपलोड फ्रॉम एबीडी, अप्लाई अपलोड फ्रॉम एसडी कार्ड, अप्लाई अपलोड फ्रॉम कैश मेमोरी, वाइप डाटा फैक्ट्री एंड रीसेट, ये मेनू में आपको चले जाना है। देखो इधर लिखा है वाइप डाटा रिस्टोर एंड फैक्ट्री, उसमें ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो वॉल्यूम अप स्विच है उससे सिलेक्ट करना है। ये मैंने वॉल्यूम अप स्विच प्रेस किया, उसके बाद आपको इसे नीचे आ जाना है। देखो जहाँ लिखा है डिलेट डाटा उसमें पावर स्विच सॉरी वॉल्यूम अप स्विच से उसको सिलेक्ट करना है। यह मोबाइल में इरेजिंग ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब कि हमारा मोबाइल अभी फॉर्मेट होना स्टार्ट हो चुका है। देखो ये मोबाइल अभी फॉर्मेट हो रहा है, देखो ये हो गया। अब एक बार हम रीसेट कर देते हैं, अब देखते हैं वो मैसेज फिर से आ रहा है कि नहीं। कोई भी मोबाइल जब आप ऐसे हार्ड रीसेट करो तो एक बार जो उसको बूटिंग कर का टाइम है वो बढ़ जाएगा, मतलब कि थोड़े पहली बार जब उसको ऑन करोगे रिस्टार्ट होने के बाद तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको। अभी ये लग रहा है थोड़ी देर से आपको रखना है। देखो ये हो गया, तो ये मोबाइल को मैंने हार्ड रीसेट किया, फिर भी ये मैसेज बारी बारी आ रहा है। तो अब ये मोबाइल को हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर से फ्लैश करके, तो चलिए एक बार ये मोबाइल को फ्लैश करके देख लेते हैं।
हेलो, तो जो अभी हमने देखा, ये मेरे पास जो माइक्रोमैक्स का जो मोबाइल है, ये 46 जिसमें हमने हार्ड रीसेट करके देखा, लेकिन फिर भी जो वो मैसेज था वो अभी वैसे का वैसे ही आ रहा है। तो एक बार हम उसको कंप्यूटर के माध्यम से फ्लैश प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। उसके लिए आपके पास सही एक अच्छा कंप्यूटर होना चाहिए। उसके बाद आपको इंटरनेट से ये उसका जो फ्लैश फाइल है, फर्मवेयर, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो जब आप डाउनलोड करते हो तो उसके साथ उसका यूएसबी ड्राइवर भी मिल जाता है। उसका जो सेटअप जो आता है, उसका प्रोग्राम जिसको एसपी टूल बोला जाता है, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो एक बार ये प्रोसेस करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सब कैसे किया जाता है। तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जो अभी मेरे पास है। ये मैंने इंटरनेट अभी ऑन किया हुआ है, देखो उसमें गूगल है। गूगल में आपको लिखना है आपके पास जो मोबाइल है, हमारे पास है माइक्रोमैक्स का A46 जिसका फ्लैश फाइल आपको डाउनलोड करना है। तो इधर आपको लिखना है और पहले ये जो firmwarefile.com है उसमें ही चले जाना है। देखो ये मैंने अभी ये ओपन किया, तो आप देख सकते हो उसमें firmwarefile.com एक वेबसाइट है जहाँ से आप इसका firmware ड्राइवर सब डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। माइक्रोमैक्स A46 जो हमारा मोबाइल है, उसका जो फर्मवेयर आपको अगर चाहिए तो इधर डाउनलोड लिखा है, ये इसका फर्मवेयर है। एक ही वर्जन का ये मोबाइल आया था। आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इधर एक क्लिक कर कीजिए तो दूसरा विंडो खुलेगा। आप उसमें देख सकते हो माइक्रोमैक्स का ये जो फर्मवेयर है, उसमें से ये देख सकते हो 259 जो MB का ये अभी है, ये डाउनलोड अगर इधर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट डाउनलोड होने लगेगा। लेकिन मैं इधर ये क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अभी ये डाउनलोड किया हुआ ही है, इसलिए हम ये वीडियो को अभी इग्नोर कर देते हैं और ये वीडियो में हम देखते हैं। देखो आपको ये फ्लैश फाइल इधर फर्मवेयर के साथ उसका डिटेल भी आपको सब मिल जाएगा कि कैसे आपको उसको डाउनलोड करना है। देखो आप डाउनलोड इधर कर सकते हो, मैंने बताया हाउ टू फ्लैश, कैसे फ्लैश किया जाता है। इधर 7 स्टेप बताया है आपको, ये आपको स्टेप बाय स्टेप जो फॉलो करना है। और आपने एक बार मान लीजिए कि ये किया, अगर आपको समझ में नहीं आता है ये, तो उसका डीप में अगर आपको समझना है तो आप इमेज वाइज आप इधर देख सकते हो, इधर क्लिक कीजिए तो ये सब आपको इमेज में आपको बताएगा और आपको दिखाएगा क्या करना है। सबसे पहले आपका मोबाइल जो है वो पावर स्विच ऑफ कर देना है, उसके बाद आपको एसपी टूल जो है वो डाउनलोड करना है। वो भी डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी आपको इधर उसका लिंक मिल जाएगा, इधर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद उसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद इधर सेक्रेट जो लोडिंग फाइल है उधर से आपने जो फर्मवेयर डाउनलोड किया है वो फाइल सिलेक्ट करना है, फर्मवेयर फाइल। उसके बाद ये फर्मवेयर फाइल जो सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट करके मोबाइल को कनेक्ट करना है। मोबाइल को कनेक्ट करने के बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करके ये प्रोसेस देखना है। थोड़ी देर के बाद आपके स्क्रीन पे ऐसे ग्रीन टाइप के ऐसे राइट एरो आ जाएगा, तो मतलब कि आपका मोबाइल जो है वो डाउनलोड हो चुका है। लेकिन ये भी समझ में आपको नहीं आता है तो आपको इधर एक जो आपको वीडियो बताया, आप इधर क्लिक करोगे तो पूरा ये मोबाइल का प्रोसेस आएगा, कैसे उसको जो है वो सॉफ्टवेयर फॉल्ट सॉल्व किया जाता है, आपको वीडियो आपको बताएगा। देखो इधर, तो मतलब कि आपने इमेज वाइज देखा नहीं समझ में आया तो वीडियो देख लीजिए, वो भी समझ में नहीं आया तो ये मेरा पूरा वीडियो आप देख लीजिए ताकि आप सही तरीके से ये फ्लैश प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है वो समझ सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि ये मोबाइल में हम फ्लैश प्रोग्रामिंग कैसे किए करते हैं। तो अभी ये विंडोज़ को हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है वो मैंने डेस्कटॉप के माइक्रोमैक्स लिखा है वो फोल्डर में आप डबल क्लिक करोगे तो अगर आप जब इंटरनेट से डाउनलोड करोगे तो ये रार फाइल में ये आएगा। आपको उसको निकालने के बाद ये फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर में आप जाओगे तो उसका ड्राइवर आपको इधर मिल जाएगा, जो यूएसबी ड्राइवर है। ये फर्मवेयर है, फर्मवेयर मतलब उसका फ्लैश फाइल है। और ये देखो तो आप एसपी टूल है, तो ये एसपी टूल का इस्तेमाल करके हम देखेंगे हमारे मोबाइल में कि फ्लैश फाइल कैसे किया जाता है, प्रोसेस करके देख लेते हैं। तो अभी ही हमने ये मोबाइल में हार्ड रीसेट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश किया लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो एक बार हम ये कंप्यूटर से फ्लैश प्रोग्रामिंग करके देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं और प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप उसके प्रोग्रामिंग के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक अच्छा वाला कंप्यूटर उसके लिए चाहिए। दूसरा आपको एक ये USB जो डेटा केबल है वो चाहिए। तो हम ये प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले देखते हैं ये जो डेस्कटॉप पे आप देख रहे हो माइक्रोमैक्स,
ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ विनरार फाइल है जो हमारे ये मोबाइल का है। तो ये हम डबल क्लिक करके उसको ओपन किया, जो रार फाइल में मिला था उसको एक्सेप्ट करके ये मैंने खोल दिया है। अभी आप देख सकते हो, उसको आप डबल क्लिक करोगे तो इसमें ड्राइवर है। आप देखोगे तो इधर सेटअप कर सकते हो, लेकिन ड्राइवर इधर मैंने ये पीसी में ही ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसका, इसलिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपको इसका फर्मवेयर भी इधर है जो आपको फ्लैश प्रोग्रामिंग के दौरान इधर से आपको सिलेक्ट करना है, और जो इसका सॉफ्टवेयर है जिसको हम एसपी टूल बोलते हैं, तो ये एसपी टूल है। तो आइए हम एक बार ये एसपी टूल को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, और ये इसका सेटअप फाइल है जो एप्लीकेशन लिखा है, यहाँ से उसको ओपन कर लेते हैं। इधर जो मैसेज आता है उसमें रन करते हैं। रन करने के बाद उसका हम ऐसे पूरा डेस्कटॉप ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर इसमें से जो इसका सेक्ट्रेक फाइल है ये पूरा आप देख सकते हो, जो एसपी टूल है अभी ये टूल है उसका वर्जन ऊपर इधर दिखाया है, वर्जन 3.1 ऐसा वर्जन है, और हमने जो इंटरनेट पे अभी देखा था वो उससे अपडेट वर्जन था, मतलब कि 5.1 ऐसा कुछ वर्जन था। लेकिन फिलहाल ये वर्जन में पहले हम एक बार उसको फ्लैश करके देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जब विंडोज़ ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको इधर से जो सेक्रेट लोडिंग फाइल इधर लिखा है ये आप देख सकोगे, यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करना है इसका जो फर्मवेयर फ्लैश फाइल है वो। तो इधर आप क्लिक करो, और वो हमने रखा है अभी डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप हमने सिलेक्ट किया, उसमें हमने रखा है ये माइक्रोमैक्स A46। इधर हम चले जाते हैं, देखो इसमें से ये माइक्रोमैक्स A40 जो लिखा है 46, इसमें आप जाओगे तो ये फर्मवेयर लिखा है, तो इसका फर्मवेयर मतलब इसका फ्लैश फाइल होता है। तो इधर आपको चले जाना है, उसमें ये MTJ लिखा है उसका जो फर्मवेयर है उसमें आपको डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है, तो ऐसे ही ये फर्मवेयर आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये मोबाइल को कनेक्ट करना है। मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए एक याद रखिए, मोबाइल को पावर स्विच ऑफ रखना है, और उसका बैटरी रिमूवेबल रखना है, मतलब कि बैटरी ऐसे आप आसानी से उसको लगा सको ऐसे ही आपको रखना है। देखो आप देख सकते हो, ये मैंने बैटरी उसको निकाल दिया है। उसके बाद आपको ये हमारे USB जो पोर्ट है उसमें डेटा केबल लगा के आपको ऐसे ये पोजीशन पे ले आना है। उसके बाद आपको हमारे जो ये फर्मवेयर फाइल और अपग्रेड है वहाँ आपको क्लिक करना है। देखो मैं अभी क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये जो मोबाइल है ये कनेक्ट करना है। कनेक्ट करके वॉल्यूम अप डाउन अप डाउन ऐसे, देखो ये रेड वाला सिंबल जो आ गया है तो मतलब कि हमारा मोबाइल अभी ये कनेक्ट हो गया है। ग्रीन वाला जो आप देख रहे हो ये प्रोसेस हो रहा है, अभी ये प्रोसेस हो जाने के बाद हमारा मोबाइल जो है वो कंप्लीट फ्लैश हो जाएगा। अभी देखो ये चल रहा है। ये फ्लैशिंग के दौरान ये मोबाइल में डिस्प्ले पे कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, देखो ये आप येलो कलर का देख रहे हो, देखो 11% 12% ये सब चल रहा है इधर कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो मतलब कि अभी प्रोसेस चल रहा है। और आप देख सकोगे ये मोबाइल है मेरा हाथ में, ये मोबाइल में प्रोसेस हो रहा है, लेकिन मोबाइल ऑन नहीं होता, मतलब कि स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं देता है, बस आप ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये सब देख सकते हो। देखो ये प्रोसेस अभी कंटिन्यू जारी है, मतलब कि 35% अभी कम्प्लीट हुआ है। अभी देखो ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। ये प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद हमारा ये मोबाइल में फ्लैश प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये अभी चल रहा है। अभी ये जो हम देख रहे हैं, हमारे पास माइक्रोमैक्स का जो मोबाइल था 46, मॉडल नंबर A46, उसमें हम फ्लैश प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। देखो अभी ये प्रोसेस कंटिन्यू आपको जारी रखना है। थोड़ी देर हम ये परसेंटेज, अगर जब 100% ये पूरा हो जाएगा तो हमारा मोबाइल जो है वो फ्लैश प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मानना है। तो और ये याद रखिए कि जब भी कोई मोबाइल में आप फ्लैश प्रोग्रामिंग करें, तब ये बीच में से कहीं आपने मोबाइल में अगर निकाल दिया, या तो आपका पावर चला जाता है, या तो कुछ वजह से आप डिकनेक्ट हो जाते हो, तो आपका मोबाइल जो ऑन था वो भी ऑफ हो जाता है, मतलब फिर आप मोबाइल को ऑन नहीं कर सकते, उसके लिए प्रोसेस पहले से करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। देखो ये अभी हम ये पूरे हो गए। देखो अब ये और ग्रीन कलर का
ये फर्मवेयर अपग्रेडेशन ऐसा मैसेज आ गया, तो मतलब कि ये कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार मोबाइल को इसमें से निकाल के ये मोबाइल को ऑन करके देख लेते हैं। देखो ये मैंने पावर स्विच से मोबाइल ऑन करने का कोशिश किया है, मोबाइल अभी हमारा ऑन हो रहा है। देखो इसमें, देखो ये मोबाइल कंप्लीट अभी ऑन हो रहा है। देखो आप देख सकते हो ये फ्लैश प्रोग्रामिंग के बाद का जो मोबाइल है अभी हम देख रहे हैं, ये हमारे बोल्ट सीरीज का जो अभी मोबाइल है आपके सामने देखते हैं वो। ये फ्लैश प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद थोड़ा उसमें टाइम लगेगा मेन डेस्कटॉप आने में, तो एक याद रखिएगा, थोड़ी देर आपको इसे इंतज़ार करना पड़ेगा। जो आप ये हो गया, देखो इसमें आपको इधर जो ओके है वो दे देना है। अब देखो आप देख सकते हो जो पुराना हमारा मैसेज था वो अभी चला गया, अभी नहीं आ रहा है। तो ऐसे कभी भी कोई मोबाइल है उसमें आप सॉफ्टवेयर करके आप प्रोग्रामिंग करके ये फॉल्ट जो सॉफ्टवेयर का बनता है उसको ऐसे तो अभी हमने देखा कि एक मोबाइल में जो है वो कैसे सॉफ्टवेयर फॉल्ट आता है तो उसको हार्ड रीसेट किया जाता है, उससे भी नहीं हुए तो उसको कैसे इंटरनेट से फ्लैश फाइल डाउनलोड करके उसके टूल के माध्यम से कैसे उसको फ्लैश प्रोग्रामिंग किया जाता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप कमेंट लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे ही कहीं मोबाइल के रिपेयरिंग सॉल्यूशन लेके आपके सामने हम आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।